उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के तहत 13 लोकसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है, लेकिन वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के चाचा ने ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है जिससे सियासी संग्राम छिड़ गया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। रामगोपाल यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों खासकर पुलिस कर्मियों के मताधिकार की लूट क्यों की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से फॉर्म भरवाकर अधिकारियों के पास बैलेट पेपर पहुंचे, किंतु कर्मचारियों से बैलेट पेपर पर टिक मार्क नहीं लगवाए गए। सरकारी कर्मचारियों को आशंका है कि उनके वोट को अधिकारियों ने डाल दिया है। ये आशंका सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने मुझे फोन करके और मिलकर जताई है। समाजवादी पार्टी के नेता ने सिर्फ सवाल ही नहीं दागे बल्कि वोटिंग में गड़बड़ी की जांच की मांग भी उठा दी। कहा, इस धोखाधड़ी की जांच हो, दोषी अधिकारी दंडित हों और ये पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया रद्द करके पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा पुनः कराई जाए। ये तो खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हुई है, सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश के चाचा ने आरोप तो बहुत गहरे लगाए हैं। अब देखना यह है कि इन आरोपों पर चुनाव आयोग कब संज्ञान लेता है और अगर सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट की जांच होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या सच में पोस्टल बैलेट की वोटिंग में गड़बड़ झाला हुआ है? हुआ भी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी शह पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।